बुलंदशहर में अपनी मां शबनम से मिलने रामपुर के जिला जेल में उनका बेटा पहुंचा। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मां उनसे कहती हैं कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हालांकि आगे कुछ भी बोलने से इनकार करता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि जुलाई 2019 से रामपुर के जिला जेल में बंद है शबनम। उस्मान भाई, आज आप अंदर गए थे, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई आपकी? ताज मेरे साथ लगभग 5 साल 6 महीने से लगभग ज्यादा हो गए हैं, और इन 5 सालों में आज पहली बार मैंने शबनम से पूछा कि तुम्हें एक जो सज़ा मिली है उसकी फांसी होने वाली है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है, ये तुमने जो गुनाह किया है क्या ये सचमुच तुमने ही किया है या किसने किया है? तो शबनम ने कहा, मैंने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया है, यहाँ मुझे फंसाया गया है, और कोर्ट में भी वो पहले भी CBI जांच की मांग करती रही है, लेकिन शायद उसकी बात सुनी ही नहीं गई। या तो इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था पे सवाल उठना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब क्या सच है क्या नहीं है, अब शबनम को या तो बात करने की मीडिया से इजाज़त दी जाए कि शबनम बाहर आए वो मीडिया के सवाल जवाब भी दें, और या फिर इसकी जांच होनी चाहिए ठीक से सही सिरे से। उस्मान भाई, अब उसके ऊपर फांसी की सज़ा तय हो गई है और लगभग उसको याचिका भी खारिज हो गई है, अब ये बच्चे का सवाल है, तो इसकी बच्चे की परवरिश को लेकर आगे इसकी ज़िंदगी किस तरह से होगी? आपने उसको अडॉप्ट किया हुआ है? ताज बुलंदशहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो भी एक बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं हम उसकी हर एक सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन अब उसके ऊपर जो आनके टैग लगा है मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने आनके कि वो शबनम का बच्चा है जो कि खामोशी था, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और आप क्या इसके लिए करेंगे? क्योंकि तो टैग लगा है, लोगों को सोचना चाहिए, मीडिया बंधुओं को, कि जब वीडियो बनाते हैं तो कम से कम चेहरे को ब्लर कर देना चाहिए। वो बच्चा है, जब स्कूल में जाएगा तो पड़ोसी क्लास में बैठा हुआ बच्चा उससे पूछेगा कि तुम क्या उसके बेटे हो, तो ये मीडिया की तो जिम्मेदारी बनती है। या जहाँ वो रहता है उसके पड़ोस के लोग, इन 5 सालों में आज तक किसी को नहीं पता चला कि मोहम्मद ताज है कौन, और इन 3 दिनों में सबको पता चल गया कि ताज है कौन। तो कुछ मीडिया के भी तो एथिक्स होते हैं, उसका चेहरा छुपाना चाहिए था ना आप लोगों को। उस्मान जी, जानना चाहेंगे कि आपने बचपन से ताज को बता रखा है क्या उसकी माँ के बारे में? ताज 6 साल 7 महीने और 21 दिन जेल में ही रहा है, और आजकल की जनरेशन आप पहले जैसी नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं वो मोबाइल से खेलते हैं, सब कुछ पता होता है उन्हें। इस पूरे प्रकरण में जो आप बात कर रहे हैं मीडिया के लिए, तो क्या एकमात्र मीडिया ही जिम्मेदार है क्या इसकी? मैंने ये कहा है मीडिया सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए जिम्मेदार है, मैंने बाकी चीज़ के लिए नहीं कहा है। मीडिया को उसको चेहरा छुपा के रखना चाहिए था, ब्लर करके रखना चाहिए था। उसके मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा शायद इसका आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अभी भी मास्क लगा के रखा हुआ था इसलिए ताकि आप लोग चेहरा ना देख पाएं। अच्छा, ये बताइए, जो अभी आपने शबनम से बात करी है और उन्होंने ये कहा है कि मैं पहली बार इसे आप मिले हैं, और उन्होंने ये कहा है कि मैंने ऐसा नहीं फंसाने की कोशिश की, इतने सालों से इन्होंने इस बात को क्यों नहीं समझा कि मुझे फंसाने की कोशिश? जब मैं शबनम से फर्स्ट टाइम मिला था तब मैंने यही सवाल उनसे पहली बार किया था कि आपने अपने घर वालों को क्यों मारा जी। तो शबनम ने मुझसे कहा था कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, और बात ही नहीं की। जब बात नहीं की तो फिर मैंने कहा वो सवाल दोहराने से फिर क्या फ़ायदा। और आज जब लग रहा है कि उनकी फांसी बहुत नज़दीक है तो ये सवाल फिर भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, पूछना लाजमी है कि क्या तुमने ये गुनाह किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो कम से कम गिल्टी फील तो कर ही सकते हैं। अगर कोई इंसान गिल्टी फील कर रहा है तो उसे फिर बचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर गुनाह किया है गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि शबनम बचे। मैं चाहूँगा कि अगर शबनम ने ये गुनाह किया है तो उससे हर हाल में फांसी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये रुख को पलटना चाहती है या अपना बचाव करना चाहती है? मैं तो खुद कहता हूँ ना कि आप लोग मीडिया वाले हैं, बड़ी ताकतवर होती है मीडिया। आप गवर्नमेंट के थ्रू, आप जेल प्रशासन के थ्रू कहिए ना इनसे कि शबनम को सामने लाएं, एक बार कम से कम बातचीत हो जाए आपके आमने सामने। ठीक है, थैंक यू।